मॉर्निंग स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर वेलकम ऑल द स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लास माइसेल्फ ज्योति। हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि है हमारा प्राणी विविधता व उत्तरी विकास या एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। इस बुक के हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है और फर्स्ट यूनिट के जो हमने टू टॉपिक्स कम्प्लीट किए हैं वो आता है हमारा जियो जोग्राफिकल रीजन एंड सेकेंड जो हमने किया था अडेप्टेशन या अनुकूलन। इसके बाद हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या था हमारा बायोडायवर्सिटी। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखा था कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है कि पूरे जो वर्ल्ड है या हम कहें अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यानी कि पूरे जो अर्थ है उस पर विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं और ये विभिन्न प्राणी कुछ रूपों में एक दूसरे से समान होते हैं और कुछ क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो उन डिफ्रेंसिएशन का यानी कि विविधताओं का अध्ययन ही करना जीवों में यानी कि एनिमल्स में उन डायवर्सिटी का उनकी इंपॉर्टेंस को देखना उनकी स्टडीज को करना ही क्या कहलाता है एनिमल डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी कहलाता है। अगर हम इसको प्लांट के रेफरेंस में कहते हैं तो उसे प्लांट डायवर्सिटी भी कह सकते हैं और लेकिन अभी हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं एनिमल्स के लिए तो इसे एनिमल डायवर्सिटी कहते हैं। तो हमने देखा कि जब अर्थ स्टार्ट हुई थी तो अर्थ पर क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ मैंने आपको बताया कैसा था, एक गर्म गोला था, हॉट बॉल थी, धीरे धीरे वो ठंडी हुई, ठंडी होने पर कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ जो कार्बनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन हुआ, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। फिर उनके बाद सबसे पहले कौन से बने, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स बने, फिर यूकैरियोटिक एनिमल्स बने। तो जैसे जैसे जीवों ने अपना जीवन यापन स्टार्ट किया वैसे वैसे उनमें क्या हुई, जटिलता भी वृद्धि हुई यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, सेल नंबर बढ़ा, सेल का साइज बढ़ा, तो क्या हुआ साइज इंक्रीज हो गया, एनिमल के साइज में इंक्रीज हो गया और साथ ही साथ क्या हुआ उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो गया। तो अब अगर हम देखते हैं तो बायोडायवर्सिटी में क्या इंक्लूडेड होगा कि थ्रू आउट द अर्थ कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या वेरिएशन प्रेजेंट होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी या हम कहते हैं जैव विविधता के प्रकार। तो हमने इसके रिगार्डिंग जैसे क्लास में बात करी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्या होती है टैक्सोनॉमिकल डायवर्सिटी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो होती है वो कैसी होती है, जैसे अगर हम कहें कि एनिमल्स में टैक्सोनॉमिकल डायवर्सिटी प्रेजेंट है, उनमें साइज के अकॉर्डिंग डायवर्सिटी प्रेजेंट है, उनमें शेप के अकॉर्डिंग डायवर्सिटी प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बफेलो और काउ के कहें दोनों कुछ लेवल में उनको सिमिलर ही कहते हैं बट उनके बॉडी कलरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा डिफर है कि ब्लैक जो बफेलो है वो कैसी होती है ब्लैकिश होती है जबकि जो काउ होती है ब्राउनिश और व्हाइट होती है। तो इनमें क्या हुआ दोनों कैटल हो गए लेकिन कैसे एनिमल है कि दोनों के भी कलर का वेरिएशन मिलता है, ठीक है हर्बीवोरस है दोनों लेकिन फिर भी कलर में वेरिएशन है, दोनों में जेनेटिकल वेरिएशन है यानी कि उनमें जो जीनिय है वो भी विभिन्नता पाई जाती है। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं कैट फैमिली में यानी कि अगर हम बिल्लियों का फैमिली बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, लॉयन भी उसी का है, टाइगर भी उसी में आता है, लियोपर्ड भी उसी में आता है एंड डोमेस्टिक कैट भी उसमें इंक्लूडेड होती है। तो यहां पर हम देखें कि हम उन एनिमल्स को अलग अलग नेम से कॉल कर रहे हैं लेकिन टोटली वो कलेक्टिवली एक ही फैमिली के मेंबर है लेकिन उनमें क्या होगा बिहेवियरली क्या है चेंज होता है। एक कार्निवोरस है या हम कह सकते हैं एक वाइल्ड एनिमल है लॉयन है, वाइल्ड एनिमल है जो डोमेस्टिक कैट होती है वो कैसी होगी एक डोमेस्टिक पालतू जीव है। तो इसी तरीके से जीवों में क्या होती है बहुत सारी क्या पाई जाती है डायवर्सिटी पाई जाती है। तो उन टाइप्स को ही हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है तो लिखना स्टार्ट करेंगे हम यहां से। हमने क्लास लिखा था इंक्रीजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ये कंप्लीट हो गया था, इसी में लाइन चेंज करके लिखेंगे बायोडायवर्सिटी
biodiversity typically measure variation of ecosystem label. Biodiversity is a collective term for species diversity, for species diversity or species diversity or species richness. Species richness. It is referred to as totality of gene. Totality of G, it is referred to as totality of G species. Species and ecosystem. Species and ecosystem of a particular region. Particular reason. Taxonomic diversity.
कि अगर हमने डॉग देखा है तो डॉग में क्या है कि जर्मन शेफर्ड होते हैं, या अगर हम कैसे कहते हैं पॉमेरियन डॉग होते हैं। तो यदि डॉग की क्या है कि हम टोटली उनको एक कैटेगरीज में काउंट कर रहे हैं कि वो क्या है डॉग है, लेकिन उसमें भी क्या है उसकी स्पीसीज में अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी वेराइटीज हो गई है। तो इसको हम किसमें इंक्लूडेड करते हैं, स्पीसीज डायवर्सिटी में कहते हैं। तो हम जब इसको टैक्सोनॉमी के लिए बात करते हैं तो हमने जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है एनिमल्स को एक ग्रुप में कैटेगराइज किया है, यानी कि उनको किसमें बांटा है, हमने उनको एक ग्रुप में इंक्लूडेड कर लिया। और यहाँ उन एनिमल्स को फिर हम किसमें टैक्सोनॉमिकल राज्य के थ्रू इनको बांट करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिकली कलेक्टिवली यानी सिमिलर जो एनिमल्स होते हैं उनको हम किसमें फाइलम में इंक्लूड करते हैं, कि जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, जो उनकी सिमिलर कैटेगरीज होती है उसके अकॉर्डिंग हमने उनमें किसमें डिफाइन किया फाइलम में करा। फाइलम के बाद जैसे अगर हम बात करें फिर हम उनमें किसमें करते हैं ऑर्डर हो गया, सॉरी क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, यानी कि इस तरीके से हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में क्या करते जाते हैं डिफरेंशिएटेड करते जाते हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी एनिमल्स को एक ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं और फिर उनको हम क्या करते हैं उनकी जो डिफरेंशिएशन कैरेक्टर्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग डिफाइन करते हैं। बट टोटली अगर हम बात करते हैं कि वो एक ही ग्रुप में इंक्लूडेड होते हैं, तो इस तरीके से जो टैक्सोनॉमिकली डिफरेंशिएशन होता है यानी कि चेंजेस जो होता है उसको हम किसमें इंक्लूडेड करते हैं, स्पीसीज आइडर टैक्सोनॉमिकल डायवर्सिटी में इंक्लूडेड करते हैं। तो लिखेंगे इसमें स्पीसीज डायवर्सिटी इज द स्पीसीज diversity is the species diversity is the number of different species number of different species number of different species in our given community in our given community in our given community three components it consists of three components species richness species richness taxonomy or taxonomic diversity taxonomic diversity or and
भी किसमें इंक्लूडेड करते हैं, स्पीसीज डायवर्सिटी में इंक्लूडेड करते हैं। कौन कौन सा हुआ है, स्पीसीज रिचनेस हुआ, ठीक है। सेकेंड कौन सा होता है, टैक्सोनॉमिक या फाइलोजेनेटिक डायवर्सिटी। और नेक्स्ट कौन सा होता है, स्पीसीज इवननेस। अब जब हम इन स्पीसीज रिचनेस की बात करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये एक तरीके से क्या करती है, नंबर ऑफ स्पीसीज में इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि इससे क्या होगा कि स्पीसीज रिचनेस यानी कि जातियों की संख्या का बढ़ना, जातियां बहुत सारी जातियां पाई जाना, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी। जब हम टेक्सोनॉमिकल डायवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें जेनेटिकल रिलेशन इंक्रीज होगा, यानी कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से किस तरीके से कनेक्टेड है, जेनेटिकल क्या होता है, रिलेशन डेवलप्ड होता है। और यदि हम बात करते हैं कि स्पीसीज इवननेस की, तो यहाँ से क्या होती है, इनमें जो क्वांटिटी है उसकी बाउंडेशन हो जाती है कि जो स्पीसीज है एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल होगी। काउंट को रिप्रेजेंट करती है कि कितनी स्पीसीज नंबर प्रेजेंट है। अगर फाइलोजेनेटिक
लेकिन उनमें सिमिलरिटी क्या है कि वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई करने के लिए उनमें क्या मिलेगी? सिमिलरिटीज मिलेगी। हमने देखा था जब हमने एडेप्टेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि क्या होते हैं जो फ्लाई करने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें जो उनके फोर लिम्स हैं, सॉरी उनके जो अग्रपाद होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो पंख में या फेदर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन फेदर्स को बर्ड्स में हम उनको फेदर्स कह रहे हैं, जबकि बैट्स में हम उनको क्या कह रहे हैं? बैट्स जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें हम उनको क्या कहते हैं? पेटेजियम्स कहते हैं। बट दोनों की फंक्शनिंग क्या है? सिमिलर है कि वो फ्लाइंग करने के लिए वर्क करते हैं। तो इस तरीके से इन एनिमल्स में क्या पाई जाती है? अनुकूलनों की विविधता या अडेप्टेशन में डायवर्सिटी पाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम सिमिलरली बात करते हैं कि अगर हॉर्स है, हॉर्स और अगर हम बात कर रहे हैं काउ है, दोनों सिमिलर एनिमल है, यानी कि वो इसमें आते हैं कैटल्स एनिमल्स। एक तरीके से जो हॉर्स होता है वो भी कैसा हर्बीवोरस एनिमल्स माना जाता है, लेकिन हॉर्स की कैपेसिटी क्या है कि वो बहुत तेजी से रन कर सकता है। तो उसमें क्या होता है उसके, यानी कि एक तरीके से हम कहें इनमें क्या पाए जाते हैं? कॉर्सोरियल एडेप्टेशन पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी कॉर्सोरियल एडेप्टेशन मिलती है। तो इस तरीके से इनमें क्या मिलती है? सिमिलरिटी है, लेकिन क्या होती है? डिफरेंशिएशन या डायवर्सिटी भी प्रेजेंट होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेड या डायवर्सिटी इन अडेप्टेशन या अनुकूलनों की विविधता। लिखेंगे इसमें प्रत्येक वर्ग के जीव, प्रत्येक वर्ग के जीव एक ही प्रकार के आवास में नहीं पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के जीव एक ही आकार के आवास में नहीं पाए जाते हैं। जैसे स्तनी वर्ग के जीवों की प्रजातियां, जैसे स्तनी वर्ग के जीवों की प्रजातियां विश्व भर में पाई जाती हैं। सभी जीवों में अपने आवास के अनुसार भिन्न भिन्न अनुकूलन पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न अनुकूलन पाए जाते हैं जो कि अनुकूलनों में विविध
ऑर्गेनेल्स ऑफ सेम स्पीसीज, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेम स्पीसीज डू नॉट इनहैबिट the same decay, inhabit the same decay, inhabit the same decay different areas and reason according to their areas and reason according to their body types like polar bear live in snow region. Polar bear live in snow region. Camel in desert. Camel in desert. Beds are areas. Beds are areas. Beds are aerial. Wild whales and dolphin. Environmental condition to the environmental condition. ठीक है,
आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.